तो ये देखिए, आज हमने बनाई है झालमुरी रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है और बहुत जगह इसे चुरमुरी भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया है फरी, जिसे बहुत जगह चुरमुरी भी बोला जाता है, और हमने लिया है मूंगफली और नारियल, जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है, और हमने इसमें तेल गर्म कर लिया है। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम है। तो ये देखिए बादाम हल्का रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे में ऐड करेंगे नारियल, जिसे हमने इस तरह से काट लिया था। अब हम इसे भी मिक्स करेंगे और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और ये रोस्ट हो गया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। हम इसे एक साइड में रख देंगे। हमने वापस से वही कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें फरी ऐड करेंगे, जिसे बहुत जगह चुरमुरी भी बोला जाता है, और हम इसे भी रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी। हम इसे रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और झालमुरी से और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए ये रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितना क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने लिया है एक प्याज। अब हम इसे एक ग्रेटर की हेल्प से इस तरह से चॉप कर लेंगे। देखिए हमने ग्रेटर की हेल्प से प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया है। अब हमने एक बाउल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फरी। तो ये देखिए हमने इसमें फरी को ऐड कर लिया है। मैं एक बार और बता देती हूँ, इसे चुरमुरी भी बोलते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और नारियल, जिसे हमने रोस्ट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसे हमने चॉप कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई टमाटर। आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक, आप अपने इसमें स्वाद के अनुसार डालें। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला से फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है, आप इसे इसलिए ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे स्नैक्स में भी खा सकते हैं या फिर इसे लंच में भी ले जा सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और हमने लिया है नमकीन। ये इजीली किसी भी स्टोर में अवेलेबल रहता है, आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं। अब हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी भुजिया, जिसे सब सेव भी कहते हैं, सेव। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा धनिया पत्ती। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी भी रेसिपी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत जगह इसे झालमुरी बोला जाता है और इसे बहुत जगह चुरमुरी रेसिपी भी बोला जाता है। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए, झालमुरी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये इजी घर पे सब बना भी लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।